दस कदम दार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। बीरोर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ, और हमारा साथ देने के लिए सचिन और रचना जी पिछले शो से बने हुए हैं, साथ ही अमित सेठ और जतिन गेडिया भी जुड़ेंगे अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ। बिग मार्केट वॉइसेस में आज दो खास मेहमान होंगे, 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन से मार्केट का टेक्निकल सेटअप समझेंगे, और फंडामेंटल आउटलुक समझाने के लिए पेडिग्री एडवाइजरी के फाउंडर दिलीप भट्ट हमारे साथ होंगे। तो इस समय एक बार जरा मार्केट का रुख करते हैं। मार्केट एट डेज हाई, निफ्टी 124 पॉइंट ऊपर अब, और निफ्टी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हैं रिलायंस और भारती एयरटेल। दोनों स्टॉक्स इस समय रिलायंस और भारती एयरटेल काफ़ी शानदार मोमेंटम में। उसके अलावा रिलायंस वापस 3000 क्रॉस करता हुआ, उसके अलावा कहाँ पर मूव्स आ रहे हैं, हेल्थ केयर में अच्छे मूव्स हैं, ग्लेनमार्क, मेट्रोपोलिस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर मूव्स ठीक ठाक हैं। उसके अलावा आपका टेलीकॉम में इंडस टावर, वोडाफोन आइडिया, हालांकि ऑफ डेज हाई हो गए हैं, और कुछ मूव्स आ रहे हैं आपके रियल एस्टेट में, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, DLF और PSU बैंक्स में। PSU बैंक्स में इस समय अच्छा शानदार मोमेंटम है। बिरो जय, तो ये आपने छोटी सी समरी अब तक बाजार की समझी, और अभी काम करते हैं, ट्रेड स्पिक करना शुरू करते हैं। रचना वैद्य जी, सचिन जी हमारे साथ मौजूद हैं, अमित सेठ, जतिन गेडिया फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं। अमित जी, गुड मॉर्निंग, आपका इस वक्त के दो ट्रेड्स क्या होंगे? जी हेलो, गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, इस समय के मेरे दो ट्रेड्स रहेंगे। सबसे पहले रहेगा टाटा पावर। टाटा पावर में हमने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन से एक स्ट्रॉन्ग मूव देखा है। आज की जो कैंडल है दैट इज व्हाइट बॉडीड कैंडल, और पिछले 6 से 7 दिनों के हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो टाटा पावर में एक सॉर्ट ऑफ अ रेंज ब्रेकआउट आ रहा है, इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 472। स्टॉप लॉस यहाँ हम रखेंगे 445 रुपीज का। दूसरा जो मेरा ट्रेड रहेगा डेट विल बी फ्रॉम FMCG सेक्टर। ITC काफी अच्छे से होल्ड कर रहा है पिछले 2-3 दिनों से। ITC का जो रिसेंटली पुल बैक आया था उसने 10 और 20 डम्बा पे होल्ड किया था लगभग 507-508 के लेवल पे, और वहां से ग्राउंडिंग पैटर्न बना के वापस 10 डम्बा के ऊपर आ रहा है। तो इसे बाय करें, स्टॉप लॉस रहेगा 507 और टारगेट्स रहेंगे 525 एंड 530 के। ओके, तो चलिए ये इस समय कुछ ट्रेड्स आपके लिए अमित जी की तरफ से। एक बार रचना जी के पास चला जाए फ्रेश ट्रेड्स के लिए। रचना जी, इस समय के दो पिक्स। जी मेरी तरफ से इस वक्त की जो दो पिक्स रहेगी उसमें एक रहेगा ICICI प्रू जिसको हम लॉन्ग करेंगे, और दूसरा रहेगा HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जिसको हम अगेन लॉन्ग करेंगे। ICICI प्रू की जहां तक बात है, इसमें हम SL लगाएंगे 776 पे, और हमारा टारगेट होगा 790 एंड 800। और जहां तक HAL की बात है तो HAL को भी अगर हम लॉन्ग करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 4350, और यहां पे हमारा टारगेट होगा 4500। ओके, यहां पे रचना जी के दो ट्रेड्स हो गए, और ICICI प्रू ये भी कुछ देर पहले कार्यक्रम में गया ही था, ये कॉल अच्छा मूव जनरेट करती हुई। अब चलते जतिन जी के पास। जतिन जी, गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हमारा जो दो ट्रेड होगा वो लॉन्ग साइड की तरफ होगा। जो पहला ट्रेड होगा वो कोल इंडिया में होगा। तो कोल इंडिया में हमने देखा है कि एक शार्प डिप आया है पिछले 1-2 हफ्तों में, सपोर्ट पे आया है 20 वीक के एवरेज के सपोर्ट पे, और वहां से एक नया स्विंग जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। तो लॉन्ग साइड की तरफ कोल इंडिया पहला पिक होगा। स्टॉप लॉस रहेगा 485 का और टारगेट रहेंगे 525 के। जो दूसरा पिक होगा वो सीमेंट पैक में से ACC में होगा। तो ACC में हमने देखा है कि 3-4 दिनों से एक करेक्शन आया था, पुल बैक आया था टुवर्ड्स 20-डे एवरेज, और वहां से एक फ्रेश अप मूव या तो एक अप ट्रेंड रिज्यूम करने की ट्राई कर रहा है। तो हमें लगता है कि ACC लॉन्ग करके चला जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 2430 का और टारगेट रहेंगे 2555 के। ओके, और अब चला जाए सचिन के पास। सचिन, आपकी ट्रेड्स। अनुज जी, यहाँ पर मुझे लग रहा है कैपिटल गुड्स में ध्यान देना है। हमने सुबह L&T के बारे में जिक्र किया, कमिंस का भी फिलहाल फ्रेश ट्रेड सेटअप डिस्कस किया था, एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर ABB में भी काफी शानदार यू नो कंसोलिडेशन हुआ है। वो कंसोलिडेशन फाइनल लेग्स में है, एंड कहीं जाकर जो 7800 के ऊपर का एक ब्रेकआउट बना है, तो मुझे लग रहा है ये ब्रेकआउट थोड़ा सा सस्टेन होगा, एंड प्लस एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर अनफोल्ड होते हुए नजर आ रही है। पैटर्न के लिहाज से टारगेट्स लगभग अराउंड 8240 तक अवेलेबल है, तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। ABB के फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस आपको 7820 पे लगाना है,
एंड पोजिशंस को रिटेन करना है 8200 के टारगेट के लिए। जो सेकंड स्टॉक हमारे रेडार पे है वहां पर मुझे लग रहा है एक अच्छा टर्न अराउंड हो रहा है, एक अच्छा बेस फॉर्मेशन नजर आ रहा है। स्टॉक का नाम है कैनरा बैंक, एक अच्छा सपोर्ट बेस इसने 105 के जोन में एस्टेब्लिश कर दिया है एंड कहीं जाकर एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस के बाद यहाँ पर एक टर्न अराउंड है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा पुल बैक बनना चाहिए 112-114 के लक्ष्य के लिए। तो यहाँ पर कैनरा बैंक के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी 105 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो यहाँ पे दो ये ट्रेड्स भी हो गए। अच्छा, मेन वाइल जरा एक बार आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखिए, जो हमने डिस्कस किया था सबसे करीब करीब 15 मिनट पहले कि पीएसयू बैंक्स में आज मूव मिल रहा है एट 292.55 डे हाई की डायरेक्टरी मार्केट ट्रेड कर रहा है और कैपिटल गुड्स पूरा का पूरा आज शॉर्ट कवरिंग के मोमेंट में जाता हुआ। और ABB स्क्रीन पर रखिएगा प्लीज़, इट्स 7890 और मैं इस वक्त इसका उल्लेख और जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब ये प्राइस आ चुका है एज पे। 25 जुलाई 2024 से लेकर अब तक इसने एक चैनल को मेंटेन किया है जिसका हाई क्लस्टर है करीब करीब 7890 और 7900 और बेस रहा है 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। हमें जे एबीबी क्या एज पे लग रहा है आपको? जी वीरन जी, एबीबी की अगर हम बात करें तो काफी अच्छा स्ट्रक्चर है यहाँ पे। दो दिन पहले हमने एक शेकआउट कैंडल देखी थी जिसका कोई फॉलोअप नहीं हुआ था और वहीं से एक हम एक स्ट्रॉन्ग अपमूव इसमें जनरेट कर रहे हैं, तो एक सॉर्ट ऑफ बैट ट्रैप यहाँ पे फॉर्म हुआ हुआ है, तो दैट कैन रिवर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन अ वेरी फास्ट वे। तो 7800 का स्टॉप लॉस रखेंगे कैश में और टारगेट्स यहाँ पे रहेंगे 8000 एंड 8100 के एबीबी में। अभी कुछ देर पहले सचिन ने भी कॉल दिया था इस पर एबीबी पर, मैंने भी जब इसकी स्पॉटिंग की थी तब एक एबीबी पर व्यू लिया था, तो यहाँ पर मूव्स खैर एबीबी में अच्छे आ रहे हैं। और कहाँ पर मूव्स आ रहे हैं, एक बार वोडाफोन आइडिया वापस लेकर आइए। देखिए, मैं फिर बार बार एक चीज़ थोड़ा सा जो दोहरा रहा हूँ कि थोड़ा सा आप देखिए हायर लेवल पर ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है और अब अगर ये वापस 11 के नीचे आया, अगर मान लीजिए ये बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग के बाउट्स आते रहेंगे, लेकिन अभी जब तक इस पर कुछ क्लैरिटी ना आ जाए तब तक थोड़ा दिक्कत वाला ही मामला है। और खुला ही ये करीब 11 रुपये के ऊपर था, 11-1 पर खुला था, अगर अगेन कुछ मतलब मिलना नहीं है इंटरेस्ट में आपको और टेंशन बहुत ज़्यादा होनी है, तो ये थोड़ा सा इसके लिए संभल कर चले। इनफैक्ट डेज हाई से कितना स्लिप हुआ एक बार दिखा देंगे, 6% स्लिप हो चुका है मेरे ख्याल से डे हाई से इस समय, अगर मैं मतलब बेसिक जो मेरा रीडिंग दिख रही है वो करीब करीब। एक बार ऑफ डेज हाई दिखाइए ज़रा इसका, वोडाफोन आइडिया का यहाँ पर मूव आपको दिखाई देगा कि हाँ ये देखिए, ये इस समय करीब करीब 6% ये डे हाई से ऑलरेडी स्लिप हो चुका है। खैर कोई नहीं, कुछ और स्टॉक्स देखते हैं। कैनरा बैंक पर अच्छा व्यू आ रहा है, एक बस कैनरा बैंक पर व्यू लेते हैं उसके बाद हमारे अगले एक्सपर्ट के पास चलेंगे। अमित जी, कैनरा बैंक पर कोई व्यू? जी अनुजी, कैनरा बैंक इज ट्राइंग टू फॉर्म अ बेस यहाँ पे। स्टॉक लगभग अगर हम देखें तो एकदम 200 डेमा पे कंसोलिडेट कर रहा है और आज इसने अपना 10 और 20 डेमा क्रॉस किया है, तो एक शॉर्ट अप मूव टुवर्ड्स 50 डेमा जरूर बनता है जो कि 109 के आसपास है। एक बार 109 पास हो जाए तो मेरे ख्याल से ये गैप फिल करेगा टुवर्ड्स 111, तो किसी ने अगर पोजिशन बनानी है तो छोटा सा 105 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ बना सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 109 एंड 111। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट का टेक्निकल सेटअप और कमाई के शेयर्स की बात करते हैं। 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन जुड़ी हैं हमारे साथ। अनु, गुड मॉर्निंग। जो बड़ी हाईलाइट रही है पिछले 10 दिन की वो है बैंक निफ्टी में फाइनली वो कैचअप जो वो अंडर परफॉर्म कर रहा था, क्या ये अब एक नई तेज़ी की शुरुआत है बैंक निफ्टी में? दोनों इंडिसेस पर आपका व्यू क्या होगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी? गुड मॉर्निंग अनुज, जहां तक कि हम निफ्टी की देख रहे हैं जो हमने एक रेट कट के बाद यहां पे देखा है, ये जोन मेरे ख्याल से डाइसी जोन है। ये जैसे कि आप भी बोल रहे थे मेल्ट अप जोन है, ये टिकेगा अगर 26200 के पास हम जाके संभाल पाते हैं। अगर हम 25800 26200 के बीच में रहते हैं कंसोलिडेट करते हैं तो आई वुड थिंक ये एक ट्रेंड है जो चलेगी और फिर शायद आप जैसे कि मैं आपको सुन रही हूँ आप 27200 27300 की बात कर रहे हैं वो नेक्स्ट टारगेट बन जाएगा। बट मेरे ख्याल से यहाँ से लेके एक्सपायरी तक ये जो 3-4 दिन है और
आई वुड एक्सटेंडेड टू प्रोबेबली एक हफ्ता, क्योंकि एक्सपायरी के बाद एक दो दिन किस तरीके से रुझान रहता है वो देखने लायक होगा। तो ये 4-5 दिन आपको काफी उथल पुथल दिखेगी। उसमें आपके जो सेक्टर्स, जैसे आप खुद बोल रहे हैं बैंकिंग बहुत अच्छा लग रहा है, एंड बैंकिंग में जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पेशेंस रखा है उनको अब ये पे ऑफ टाइम है, तो उनके लिए डरने की जरूरत नहीं है। बट एट द सेम टाइम जो मिड कैप स्मॉल कैप्स हैं वहां पे भी, या जो MFI लेंडिंग है वहां पे, आज सुबह जैसे कि हमने सुना कि स्ट्रेस चल रहा है, वो सिर्फ एक 8 states में नहीं है, वो अब सब जगह फैल रहा है, तो वो स्मॉलर कैप में वहां पे भी स्ट्रेस आने की गुंजाइश है। तो क्वालिटी इज द ट्रेड, तो वो क्वालिटी का ट्रेड अब आप हर जगह देख रहे हैं, लार्ज कैप्स में मिड कैप से एक शिफ्ट हो रहा है, तो वो एक मेजर ट्रेंड है। बैंकिंग पॉजिटिव है, बैंकिंग अच्छा लग रहा है। उसके अलावा जो हमको सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं, एक तो पावर बहुत अच्छा लग रहा है, एंड जैसे कि मैंने पहले भी सुना है आपके यहाँ, और अगर आप वर्ल्ड मार्केट्स में देखें तो सब AI स्टॉक्स चेस कर रहे हैं। अगर आप इंडस के ऊपर भी देखें, इंडस टावर्स के ऊपर, तो लोग कह रहे हैं कि अगर इसका टारगेट प्राइस सब लगभग 460 से 500 ला रहे हैं, बट अगर इसमें डेटा सेंटर आया तो ये लगभग 150 रुपये इसका टारगेट प्राइस सब बढ़ा देंगे। और उसको डेटा सेंटर्स को सबको पावर की जरूरत पड़ेगी, और जिस तरीके से अब डेटा सेंटर्स सब जगह एक रिक्वायरमेंट हो गए AI के लिए, आपको जिस तरीके से डेटा सेंटर्स अगले 2 साल में बढ़ेंगे आपकी पावर नीड्स बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, एंड वी आर ऑलरेडी अ पावर डेफिशिएंट कंट्री। तो उस हिसाब से चाहे वो NTPC है, टाटा पावर है, आई थिंक नो पर्टिक्युलर नेम, बट वो पूरा सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर मार्केट करेक्शन भी देता है तो इसमें आपको रेजिलियंस दिखेगी। इंफ्रा डेफिनेटली बहुत रेजिलियंट रहेगा, मल्टीपल्स बहुत हाई हैं, बट जिस तरीके से आप आज भी अगर न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे और बोला गया है कि बॉम्बे में एक नया राउंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिंग रोड्स आ रहा है, ये 3 से 4 साल का एक स्ट्रेटेजिक मूव है, और कंट्री के ऊपर इतना ज्यादा स्पेंड आना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल इश्यूज, तो ये डेफिनेटली रहेगा। जहां स्ट्रेस आ रहा है, और जो मैं कल जब चार्ट्स देख रही थी आज के लिए, मुझे IT में एक घबराहट दिख रही है एक लेवल के ऊपर, एक PSUs में घबराहट दिख रही है जिस तरीके से RECPFC गिरे हैं। चलो हम सोच सकते हैं कि हैल बेल इनके मल्टीपल्स बहुत बड़े थे, बट इवन द वे ONGC BPCL RECPFC सब गिरे हैं, तो अगर आपके इलेक्शन, स्टेट इलेक्शंस नवंबर में हैं, और उसके आउटकम के ऊपर अगर यहाँ पे एक और बड़ा फॉल आ सकता है, 15-20% आ चुका है बहुत से स्टॉक्स में, तो वो एक जगह, एक पॉकेट है जहां आपको और एक स्ट्रेस मिल सकता है। बट जहां तक कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की क्वालिटी ट्रेड्स की सवाल है, आई थिंक यू आर इन अ गुड प्लेस एंड यू विल कंटिन्यू टू बी इन अ गुड प्लेस। ओके, एक और पॉकेट या फिर अपने आप में जो एक सेक्टर है रिलायंस, यहाँ पर अब क्या व्यू बन रहा है अनु, क्योंकि काफी अंडर परफॉर्म किया है इसने, आज बहुत टाइम बाद 3000 क्रॉस हुआ। सी, व्यू पॉजिटिव है, इनफैक्ट टेलीकॉम के ऊपर हमारा व्यू बहुत पॉजिटिव है। हमारे पोर्टफोलियो में लगभग 10% वेटेज टेलीकॉम पे है बिटवीन भारती एंड इंडस्टार। हम रिलायंस भी होल्ड करते हैं, बट बिकॉज वो एक SOTP वैल्यूएशन हो गया है, हम उसको डायरेक्टली नहीं देखते। आई थिंक पीपल का एक एंटिसिपेशन था कि डीमर्जर के ऊपर कुछ बात होगी, जो नहीं हुई। बट जहां तक कि मेरा व्यू है, मेरे ख्याल से अगर वोडाफोन को, इनको, आइडिया को बेसिकली अगर सपोर्ट करना है, तो एक रेट हाइक अगले 3 से 6 महीने में और आएगा, जो प्राइस्ड इन नहीं है कोई भी एनालिस्ट से, और अगर वो आया तो वो बम्प अप आपके आरपूस पे सबको देगा, और वो EPS प्ले सभी के लिए होगा। आई थिंक कहीं ना कहीं जब वो आइडिया का थर्सडे फ्राइडे का अनाउंसमेंट आया, उसके बाद जो भारती ने बम्प लिया है, वो कहीं ना कहीं उसी बात को डिस्काउंट कर रहा है, और आप देखेंगे तब से एक रिलायंस ने भी सपोर्ट लेके वहां से चलना शुरू कर दिया। सो इट इज एन अनसेड ट्रूथ दैट ये शायद इसको लीड करेगा, एंड दिस विल बेनिफिट बोथ भारती एंड रिलायंस। जहां तक कि टेक्निकली व्यू का सवाल है, आई थिंक आपका 3040 क्रॉस करेगा तब आपको उसमें एक एक मेजर मूव दिखेगा। बट आई थिंक इसमें जहां तक कि मैं कह रही हूँ, जहां इंडेक्स में मुझे एक लेवल ऑफ इस लेवल के ऊपर सेल ऑफ आता रहेगा, और एक इट इज अ हाई
It's a time where probably you have to be cautious what you're holding. Reliance would be pretty much safe. Ki downside बहुत limited है. मेरे ख्याल से अगर आप fundamental value भी देखेंगे तो 2840-2850 पे ये बहुत safe है. तो आपका margin of safety and जिसकी वजह से आपका FI पैसा पूरा private banks में आया था, वो margin of safety अब Reliance में बहुत ज़्यादा है. तो अगर flows आएंगे और 3.5 trillion over a one and a half year period of risk on money has to flow to commodities, emerging markets, उसमें से हमारा जितना भी share हो वो तो quality stocks पे ही जाएगा. तो I think it tends to gain over the next 1 year. So would be positive on it. ओके अनुजी नमस्कार. वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से. एक स्पेस जिसकी लीडरशिप अभी एलएनटी के हाथ में है, शुक्रवार को बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया कि पूरा स्पेस एज पर स्टेट्स जिसको मैं लेके काफ़ी श्योर हूँ, सितंबर में काफ़ी शॉर्ट्स लेके आया था. स्टॉक्स ऑलमोस्ट 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे फ्लोट कर रहे थे, लेकिन सितंबर मिड और टुवर्ड्स क्लोज ऑफ दिस सितंबर हम एक सिंकिंग जोन से बाहर निकल के आ रहे हैं. ओआई शेड हो रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग विजिबल है. आपका टेक इस वक्त कैपिटल गुड्स पे क्या है? सी मल्टीपल्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, टेक्निकल चार्ट्स कंसोलिडेट कर रहे हैं. हम पहला मूव आपका कमिंस में देख रहे हैं कि यू नो इट्स लुकिंग गुड. आपका लार्सन तो बेसिकली लग रहा है कि पहली बार दो क्वार्टर से यू नो कंसोलिडेट कर रहा है, जबकि पूरा सेक्टर चला था, लार्सन नहीं चला था. तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा लीड इंडिकेटर वही होगा. एंड I mean, these are stocks in our portfolio. That's a caveat. Larsen, Cummins, ये सब का एक consolidation period निकल गया. But जिस तरीके से मैं Nifty के साथ correlate करूँगी, अगर 26,200 hold करता है, then ये stocks अपना next leak करेंगे. नहीं तो क्या होगा कि जैसे-जैसे ये 26,200 की तरफ चलेगा, ये आपको 3-4% का move तो दे देगा. बट फिर वहां पे जिस तरीके से एक बेयर ट्रैप बन जाएगा, तो बुल ट्रैप बन जाएगा, तो वहां पे यू नो पीपल विल गेट स्टक अगर उस लेवल में वो घुसेंगे. तो मेरे ख्याल से अगर आपका मार्केट 26,200 होल्ड करता है, तब ये सेक्टर अपने नेक्स्ट मूव के लिए रेडी होगा. अगर नहीं होता है तो बेसिकली ये एक और टॉप बना के, देन इट विल बी लाइक अ डबल ट्रिपल टॉप बना के इट विल अगेन गो डाउन बाय 5-7%. ओके क्या कैपिटल गुड्स पे अनुजी का टेक है? अच्छा अनुजी, ये पूरा सितंबर बजाज हाउसिंग के लिस्टिंग से पहले एनबीएफसीज पे हमने स्ट्रॉन्ग मूव देखा है. एनबीएफसीज हो गया, एचएफसीज में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आया, गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में काफ़ी मूव आया. अभी कुछ सेक्टर्स जिसको लेके आपने एक जो पिक्चर ड्रॉ करी कि थोड़ा सा ओवरबॉट ट्रेजेक्टरी में है, यहाँ से कोई बहुत बड़ा स्कोप नहीं है बाइंग का, सिचुएशन पॉइंट आ चुका है. आप इस वक्त रीड कैसे कर रही हैं एनबीएफसीज को, इंक्लूडिंग ऑल एचएफसीज एंड गोल्ड फाइनेंस कंपनीज एज वेल? जिस तरीके से बजाज हाउसिंग का लिस्टिंग हुआ था, बाकी सब रिलेटिवली चीप लगते हैं. बट अब एक वो क्वेश्चन हो जाता है कि इट्स अ ट्रेड ऑफ क्वालिटी, लोगों को क्वालिटी खरीद के बैठना है. बट देयर आर अदर स्टॉक्स व्हिच आर फेयरली वैल्यूड, गुड बिजनेस, गुड आरओईज, गुड मार्केट शेयर. तो आई थिंक वहां पे अगर यू नो लॉन्ग टर्म व्यू है तो दे ऑल मेक सेंस. एनबीएफसीज में आपके बहुत से एनबीएफसीज अभी तक चले नहीं है, कुछ काफी चल चुके हैं. चोला काफी चल चुका है, बजाज फाइनेंस लिस्टिंग के ऊपर लट चल चुका है, आपका श्रीराम चल चुका है. बट जहां तक कि आप एवी कैपिटल देखेंगे या कुछ और होंगे, वो नहीं चले हैं. तो आई थिंक वो ट्रेड एक कैचअप ट्रेड कंटिन्यू करेगा. एंड जैसे कि हम देख रहे हैं कि इट्स अ पॉजिटिव फाइनेंशियल काइंड ऑफ अ ट्रेड वो चल रहा है, उसमें इनफैक्ट देर इज अ नॉट एग्जैक्टली एनबीएफसी बट आई थिंक इंश्योरेंस स्टॉक्स का जो चार्ट है वो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है. चाहे आप एसबीआई लाइफ देखें, आप आईसीआईसीआई लोम्बार्ड देखें, आई थिंक इंश्योरेंस ट्रेड जो बहुत टाइम से नहीं चला है एंसिलरी फाइनेंशियल्स में, आई थिंक वो मुझे एक ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है, जहाँ वैल्यूएशन कम्फर्ट भी रिलेटिवली बेटर है. तो आई वुड प्रोबेबली मूव द ट्रेड फ्रॉम एचएफसीज टू इंश्योरेंस. ओके मीन वेल, मेरी एक नज़र बार बार वोडाफोन पर जा रही है क्योंकि अब वो डे लो के करीब आ गया है स्टॉक. इनफैक्ट डे लो पर आ गया है स्टॉक और कोलैप्स हुआ है हायर लेवल से, जो 12% ऊपर था अब सिर्फ 5-5.5% ऊपर रह गया. अच्छा अनु, आपने कहा कि PSUs पे आपने एक कमेंट दिया, एक जब भी हमारी आपसे बात हुई है एक ट्रेड जो बहुत शानदार रही थी वो थी निफ्टी PSU बैंक का जो ETF था,
उसने बहुत पैसा बनाकर दिया था, आई थिंक जब पहली बार हमने उसको डिस्कस किया था। अब काफ़ी टाइम से वो कंसोलिडेट कर रहा है, क्या वो ट्रेड खत्म हो चुकी है या फिर एक फ्रेश लेग की तैयारी कर रही है? तो हमने काफ़ी पहले दिलाया था और हमने बुक करा दिया था एक्चुअली जस्ट अराउंड द इलेक्शन के बाद, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पीएसयू का सारा प्ले गवर्नमेंट से, हम माने ना माने, एक वो इमोशनल मेंटल कनेक्शन रहता है एंड मार्केट फाइनली एक इमोशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइंडसेट है, टेक्निकल्स भी वही है। वो कंफर्ट मुझे वापस अभी तक दिखा नहीं है अनुज कि मैं फिर से वो ट्रेड लूं। 840 पे एसबीआई जब बेचा था हम लोग ने क्लाइंट्स के लिए, या वो अभी तक वो 790-780 पे भी वो कंफर्ट नहीं आया कि वापस ले लो। हाँ, अगर ये 26,200 टिका, जो मैं अभी काफी ट्रेड्स के लिए बोल रही हूँ कि एक वहां पे अगर सपोर्ट मिलके मार्केट कंसोलिडेट करके यहाँ रहता है, तब आपके सेकेंड राउंड्स जो चलेंगे, जैसे मैं बोल रही हूँ इंफ्रा में, तो उसमें पीएसयू भी तब चलेगा, चाहे वो बैंक्स हो या नॉन बैंकिंग हो। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म में 3-4% बिकॉज मोमेंटम में मेल्ट अप है आप देख सकते हैं, बट एक सस्टेन्ड मूव आने के लिए आई थिंक वो 26,200 इज अ वेरी क्रूशियल फिगर, बिकॉज अगर आप इलियट के हिसाब से भी देखते हैं तो वेव एक्सपायरी वहां है, वो वेव कंप्लीटली निगेट हो जाती है। तो मेरे ख्याल से अगर 26,200 होल्ड करेगा तो आपके ये सारे प्लान्स प्ले आउट्स फिर से हो सकते हैं। एंड गिवन दैट अब नवंबर इलेक्शंस पास में है, आपके MFIs में इशू है, तो आपके MFIs में इशू है तो बुक साइज और प्रोविजनिंग जो है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इवन पीएससी उसको करेगी। तो अभी तक मेरा कोई पॉजिटिव लेने का ट्रेड वहां पे रुझान बना नहीं। ओके, चलिए अनु बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा मार्केट फंडामेंटल्स बात करते हैं। पेडिग्री एडवाइज़र के फाउंडर दिलीप भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप जी, गुड मॉर्निंग। दिलीप जी, एक वन वे मार्केट में बाइंग, पहले FI, पहले पूरी की पूरी बाइंग रिटेल की तरफ से आई, म्यूचुअल फंड्स, DIIs और अब FIIs भी जंप इन कर रहे हैं, क्या इस मार्केट में अब व्यू होना चाहिए? अनुज जी, गुड मॉर्निंग। अगर हम ओवरऑल देखें, मार्केट्स अभी भी बहुत अच्छी तरह से डिफाई कर रही है वैल्यूएशंस को, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो लिक्विडिटी फ्लो है वो बहुत जबरदस्त है, डोमेस्टिक तो चालू ही है, लेकिन अगर हमने देखा कि जिस तरह से FIIs आर जंपिंग इन, और फ्राइडे इज सम इंडिकेशन, आई थिंक करेक्शन एक्सपेक्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट अनलेस एंड अंटिल कोई आसमानी सुल्तानी हो जाए और मार्केट जोर से गिर जाए, वो बात अलग है। लेकिन इन द नॉर्मल कोर्स एट बेस्ट वन कैन एक्सपेक्ट अ साइडवेज करेक्शन। लेकिन ये जरूर है कि हम जहां पर फंडामेंटल्स पे फोकस करते हैं, दिस इज इंडीड अ वेरी टफ टाइम फॉर अस, और फॉर अस टू जस्टिफाई बाइंग एट दीज वैल्यूएशंस। और जैसे मैं बार बार ये कहता हूँ, द अमाउंट ऑफ मनी यू मेक इन दिस मार्केट इज इनवर्सली कोरिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस यू हैड इन दिस मार्केट। तो मैं यही कहूंगा कि इस लेवल से बाय करना मुझे जस्टिफाइबल नहीं लगता है, मैं जरूर वेट करूंगा। लेकिन अगर सेक्टर रोटेशन करना है तो समथिंग लाइक बैंकिंग एक ठीक लग रहा है, फार्मा ठीक लग रहा है, और सम ऑफ द फ्रंट लाइंस में जरूर रहना चाहिए फ्रॉम द मिड कैप्स। ओके, अच्छा, एक सेक्टर जो बहुत ज्यादा फोकस में है वो है टेलीकॉम। एक तरफ हमने देखिए भारतीय में मैसिव रैली, और दूसरी तरफ वोडाफोन में एक बहुत बड़ा वेल्थ डिस्ट्रक्शन, यहाँ पर आपका क्या व्यू होगा? यहाँ तक भारती का सवाल है, आई थिंक फ्रॉम दी ऑगस्ट इट हैज ऑलरेडी रैलीड बाय ऑलमोस्ट 20%, और मुझे लगता है इट हैज रियली सरप्राइज्ड एवरीवन ऑन दी अपसाइड। इस लेवल पे बाइंग करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। और जहां तक वोडाफोन का सवाल है, मैं यही समझता हूँ इट इज मोर स्पेक्युलेटिव एंड मोर ऑफ अ कॉर्पोरेट इवेंट। और जहां तक आपको ग्रिप समझता है, जो करना वो ग्रिप अगर आप में है उन वोडाफोन के क्या कॉर्पोरेट इवेंट्स हो रहे हैं, तो आप एक जरूर ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज आई डोंट थिंक वन शुड ट्रेड इन वोडाफोन, इट्स मोर स्पेक्युलेटिव देन एनीथिंग एल्स। अच्छा दिलीप सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। न्यूज़ फ्लोस पर्टेनिंग आई थिंक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट जो अच्छी नहीं थी, इन्वेंट्रीज, प्राइस कट्स, डीप डिस्काउंट्स, बट अब धीरे धीरे वो
वो डिप जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी में तब्दील हो गया है. लुक एट M&M, दो दिन में क्या स्ट्रॉन्ग मूव, मारुति में मूव है. आपका पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट्स के तीन कैंडिडेट्स पर व्यू क्या है इस वक्त, मारुति, टाटा मोटर्स और M&M? I think in all the three segments, in all the three companies, मैं still wait and watch कहूँगा. मुझे लगता है कि passenger vehicle segment में एक अच्छा जो run आना था आ गया, और जिस तरह से हमने देखा recently भी जो rise आया है वो भी एक बहुत ही अच्छा कहा जाएगा. But यहाँ से buying करना हमारे हिसाब से is not right. I mean, we don't justify that. मुझे लगता है पैसेंजर व्हीकल की जगह हम टू व्हीलर्स में अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें तो उसमें बहुत स्कोप है. बिकॉज जिस तरह से मानसून हुआ है, जिस तरह से रूरल रिकवरी हो रही है, तो ये शायद टू व्हीलर्स में ज्यादा देखने मिलेगा उनका रिकवरी उनके वॉल्यूम नंबर्स पे. तो ये बजाज ऑटो, TVS मोटर्स, हीरो, इन पे जरूर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए. टैक्टिकली इट कैन गिव अ गुड रन ओवर नेक्स्ट 3 to 6 months. ओके अच्छा दिलीप सर, ये मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो निफ्टी FMCG इंडेक्स एक बार फिर से डे हाई की ट्रैजेक्टरी में. डायरेक्टर साहब प्लीज़ जरा एक बार निफ्टी FMCG इंडेक्स रखिएगा. इट्स निफ्टी FMCG दैट आई थिंक 66115 मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई जोन है सर. और ये पिछले 3 महीने में ये एक इंश्योरेंस के तौर पर काम कर रहा है, चाहे वो पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट्स, बजट डे, जब जब बाजार बैकफुट पर आया है FMCG ने बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट किया है. ऑल टाइम हाई पे इंडेक्स स्टॉक्स चल भी चुके हैं, नो डाउट अबाउट दैट. अभी FMCG में आपको बाइंग का स्कोप सर इंडिविजुअली अगर कुछ स्टॉक फ्यूचर्स या स्टॉक्स आपके एनालिसिस में फ्रंट लाइन पे हों वो कौन कौन से हैं, बाइंग स्कोप इन FMCG? रेनू जी, अगर हम देखें कि ओवरऑल मार्केट में वैल्यूएशन हैज बीन थ्रोन आउट ऑफ द विंडो, इट इज नाउ मोर ऑफ रिलेटिव प्राइसिंग एंड रिलेटिव वैल्यूएशन. और अगर हम देखें कि उसी हिसाब से देखें तो FMCG जो अब तक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है, नाउ इट इज इमर्जिंग आउट ऑफ द शेडो. और रीजन वही है जो मैंने 2 मिनट पहले कहा कि रूरल रिकवरी, गुड मानसून, आई थिंक ऑल दिस एक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में बहुत अच्छा इम्पैक्ट देगा, जो हम देख रहे हैं शायद टू व्हीलर में हो जाए, शायद FMCG स्टेपल्स, कंज्यूमर स्टेपल्स में हो जाए, या वाइट गुड सेगमेंट में हो जाए. तो मुझे लगता है वो उस हिसाब से अगर देखें तो अभी भी FMCG में, खास करके FMCG स्टेपल्स में, द फ्रंट लाइंस, वेदर इट इज लीवर्स, कोलगेट, मैरिको, मुझे लगता है शायद यहां से नेक्स्ट 3 to 6 months में एक मोमेंटम उसमें पकड़ सकता है. क्योंकि इन्फ्लेशन पे जैसे सोबर हो रहा है तो उनका इम्पैक्ट जरूर आने वाले क्वार्टर्स में बॉटम लाइन में जरूर दिखाई देगा. दिलीप जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए. चलिए फिर एक काम करेंगे, इस शो को यहीं समेटेंगे. मार्केट करीब करीब 100 पॉइंट ऊपर है, बैंक निफ्टी करीब करीब 134 पॉइंट ऊपर, मिड कैप में आज ठीक ठाक बाएंगे. और ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर ब्रेक के बाद नीरज जी जुड़ेंगे. नीरज जी, गुड मॉर्निंग.